आप लोग कौन से टाइप्स के ग्लव्स प्रेफर करते हो, जिनके फिंगर्स में कोई पार्टीशन ना हो या जिनके फिंगर्स में पार्टीशन है और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है बैटिंग करते समय, क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है? मैं मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हूँ स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल का नया सेक्शन हैशटैग स्नेहल रिव्यू सिस्टम, जहाँ मैं रिव्यू करूंगी क्रिकेट प्रोडक्ट्स आपके लिए। तो आज हम अनबॉक्स और रिव्यू कर रहे हैं ये BDM के टाइटेनियम ग्लव्स। और मुझे ग्लव्स तो अच्छे हैं, पर ये कलर्स कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत पसंद आया। नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड आई लाइक पिंक, बट आई थिंक इट्स वेरी फैशनेबल इवन फॉर गाइज। अनबॉक्स करके देखते हैं। तो ये एक राइट हैंडेड ग्लव पेयर है, प्रीमियम क्वालिटी बिल्कुल लगते हैं। और जैसे मैंने कहा, आप यहाँ देख सकते हो कि सेगमेंटेड फिंगर्स है, कि हर नकल के लिए एक गैप है कि ज़्यादा मूवमेंट हो पाती है उंगलियों की। इसके वजह से दीज आर द काइंड ऑफ ग्लव्स दैट आई लाइक। और एक चीज़ मुझे पसंद आई है कि राइट हैंड पे साइड पे भी पैडिंग है, सो दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। इवन थंब पे, थंब का तो प्रोटेक्टर है, इवन थंब इज सेगमेंटेड। थंब के ऊपर भी गार्ड तो है, पर थंब के बाजू में भी यहाँ एक्स्ट्रा पैडिंग है, विच इज़ समथिंग आई रियली लाइक इन दीज ग्लव्स। मटीरियल में काफ़ी वेंटिलेशन के लिए होल्स है, सो दे विल फॉर पीपल लाइक मी हु स्वेट मोर ड्राई ऑफ क्विकली। बिल्कुल लाइट वेट भी है, रफली अराउंड 200 ग्राम्स पर ग्लव इनका वेट है, सो वेरी हल्का फुल्का, जैसे पहनने के बाद लगता ही नहीं है कि कुछ पहना है। आई हैव ट्राइड देम ऑन बिफोर, फिर एक बार डाल के देखते हैं। के कोई भी बैट पिकअप करके देखते हैं, एंड वेरी कंफर्टेबल ग्रिप। बिल्कुल नए ग्लव्स हो के भी फिंगर्स इजीली बेंड हो रहे हैं, नहीं तो कभी कभी नए ग्लव्स में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है बेंड होने के लिए, क्योंकि लेदर बिल्कुल नया होता है। ग्रिप अच्छा है, जब मैं इवन प्लास्टिक कवरिंग होके इस बैट पे, अच्छा ग्रिप मिल रहा है मुझे, हाथ फिसल नहीं रहे हैं। प्रेशर टेस्ट थोड़ा करके देखते हैं। दिस इज हाउ आई लाइक टू डू इट। बेसिकली ग्लव्स प्रोटेक्शन के लिए है, तो क्या अगर ये बॉल है और आपको ग्लव्स पे बैट, ग्लव्स पे बॉल लगता है, जब नीचे आपका बैट हैंडल, ऊपर बॉल और बीच में आपके फिंगर्स, क्या ग्लव्स काफ़ी प्रोटेक्शन देते हैं? बहुत ज़ोर से मार रही हूँ और बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोटेक्शन। एक डिसएडवांटेज इन ग्लव्स का ये चीज़ है, सेगमेंट्स होने की वजह से थोड़े से गैप्स आ जाते हैं प्रोटेक्शन में, और वो गैप्स आने की वजह से प्रोटेक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर इनका डिज़ाइन इतना अच्छा है कि आई थिंक दैट विल बी कवर्ड अप। सो इन ग्लव्स के कॉस्ट रफली 2500 टू 3000 के रेंज में हैं। आई नो ज़रा प्रीमियम है, पर आई मीन लुक एट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। शीप वुल के साथ भरे हुए कॉटन पैडिंग, साइड प्रोटेक्शन थंब पे भी, राइट हैंड फोर फिंगर पे भी, और ज़्यादा सेगमेंट्स, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी डिज़ाइन, मतलब गैप्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सो अगर आप हायर लेवल क्रिकेट खेल रहे हो और आपको इन्वेस्ट करना है आपके गियर में, जो बिल्कुल करना चाहिए, सो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेलेंट चॉइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप ऑनलाइन इन ग्लव्स को चेकआउट कर सकते हो। क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? क्या आपको और ऐसे हैशटैग स्नेहल रिव्यू सिस्टम वीडियोस देखने हैं? कौन से प्रोडक्ट्स आपको रिव्यू करने हैं और आप कौन से ग्लव्स यूज़ करते हो? ये सारे सवालों के जवाब मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ, मैं वो फीडबैक लेके ना अगला कॉन्टेंट प्लान करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लव द पिंक कलर, आई होप दैट्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यू ऑल्सो। पर अगले वीडियो में मिलते हैं। याद रखो, डेली वीडियोस आते रहेंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज हर वीक में एक बार आपको मिलेगा हैशटैग स्नेहल रिव्यू सिस्टम में। अगली बार मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड कम लर्न क्रिकेट विद स्नेहल।